झारखंड में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। प्रदेश कांग्रेस के अंदर हलचल मची हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 विधायकों के कैश बरामद मामले को लेकर बीजेपी जहां चुस्की ले रही है, तो वहीं कांग्रेस के अंदर भी अलग राजनीति चल रही है, जिसको लेकर बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंजूर अंसारी के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय के भाजपा सरकार के द्वारा गैर भाजपा शासित प्रदेशों के जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के विरोध में जोरदार प्रदर्शन के साथ भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने कहा कि चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार जनता की चुनी हुई सरकार के विधायकों को पैसे व मंत्री का प्रलोभन देकर सरकार गिराने के षड्यंत्र कर रही है। कांग्रेस पार्टी के तत्वाधान नया मोड़ बिरसा चौक में पुतला दहन किया गया है। आपको पता होगा कि जो गैर भाजपा शासित राज्य है, जिस तरह का केंद्र सरकार के तरफ दुरुपयोग किया जा रहा है, खरीद फरोख्त किया जा रहा है, सभी को तबाह किया जा रहा है, वो हम लोग देख रहे हैं। आज हम लोग निंदा करते हैं केंद्र सरकार की कि जो चुनी हुई सरकार है उसको लगातार किसी न किसी कारण बस पैसा के लालच दे करके तरह तरह के हथकंडा अपना करके जो सरकार